छत्तीसगढ़ में बालोदा जिले के गुंडरदेही इलाके पर ग्राम पंचायत अजुनी समेत आसपास में राजस्व वन विभाग सरपंच की मिलीभगत से हरे भरे पेड़ों की अनाधुंध कटाई जोरों पर है। तस्करों के हौसले इतने बुलंद है कि वे सरेआम दिन दहाड़े ही हरे भरे अजुन वृक्ष को काट कर इसका परिवहन कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी मौन बैठे हैं। ताजा उदाहरण अर्जुनी से, गुरेदा रोड पर जगह जगह कहुआ वृक्ष को काट कर संग्रहित किया जा रहा है, जबकि यह पेड़ की कटाई प्रतिबंधित है, लेकिन ग्राम पंचायत की मिलीभगत से यह संभव हो सका है। सरपंच को जानकारी होने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं करने का दर्शाता है कि तस्करी का खेल ग्रामीण जनप्रतिनिधि और अधिकारियों का मार्गदर्शन में ही संभव है। इस वजह से लकड़ी तस्कर बिना शासकीय अनुमति के खुलेआम हरे भरे पेड़ों को काटकर प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब देखना यह है कि इस मामले में क्या कार्रवाई होती है, या फिर हरे भरे पेड़ ऐसे ही कटते रहेंगे, नष्ट होते रहेंगे और प्रशासन ये देखने के बावजूद भी मौन बैठा रहेगा। अभी तक तो अवैध कटाई का मामला जो है हमारे संज्ञान में नहीं था, और ऐसा हो रहा है तो बहुत ही गलत है, क्योंकि हमारी सरकार जो है वृक्षारोपण के तहत हरियाली उत्सव मनाते हैं, लाखों खर्च करके जो है वृक्षारोपण को बढ़ावा दे रहे हैं, और ऐसे में जो है पेड़ों की अवैध कटाई जो है होना, ये कहीं ना कहीं हम जनता को और किसानों को के लिए नुकसान है, और ऐसे में प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, और जो भी इसमें संलिप्त है उस पर जो है कार्रवाई करनी चाहिए, उचित कार्रवाई जो है होनी चाहिए। लिखावन चंद्रकार की रिपोर्ट।